अब नेक्स्ट इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल डेटा टाइप और प्रीडिफाइंड और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप को डिस्कस करने से जस्ट पहले मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग डेटा टाइप्स, मीन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स को यूज करने का एग्जैक्टली पर्पज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, देन डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का वे क्या होगा, यूजिंग वेरिएबल्स। मीन्स मेमोरी के अंदर रिक्वायर्ड क्या होंगे, सम बाइट्स। अब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए 2 byte सफिशियंट है, 4 byte सफिशियंट है और n byte सफिशियंट है। डिसीजन किसके बेस पर लोगे, बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स। अगर सिंपली आप कोई वेरिएबल नेम यूज करते हो, सबसे पहले लोकेशन को मैनिपुलेट करने के लिए प्रोवाइड क्या करना होगा, सम लॉजिकल नेम रिक्वायर्ड क्या होगा, सम लॉजिकल नेम। क्योंकि आपको पता ऑलरेडी किसी भी मेमोरी बाइट्स को डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे इसको एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, सम इंटरफेस और नेम। दिस नेम इज नथिंग बट कॉल्ड एज वेरिएबल्स। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अगर इस लोकेशन को नेम असाइन कर दिया जाए लाइक एक्स वाई जेड समथिंग, देन इस लोकेशन को मैनिपुलेट करना पॉसिबल है। क्वेश्चन है कि जब आप किसी लोकेशन को नेम असाइन करते हो लाइक वी आर डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल एज एक्स, लेकिन केवल वेरिएबल नेम्स के बेसिस पर कंपाइलर के लिए आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा इसे एक्स के रिस्पेक्ट में टोटल कितने बाइट्स रिजर्व करना, क्योंकि मेमोरी के अंदर 1000 नंबर ऑफ बाइट्स पॉसिबल हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक्स के लिए सारे के सारे बाइट्स एलोकेट होंगे। सो इसके लिए एग्जैक्टली रिक्वायर्ड स्पेस क्या होना चाहिए, डिसाइड किसके बेस पर करो, बेस्ड ऑन डेटा टाइप। केवल वेरिएबल नेम्स के बेसिस पर ना ही आपके लिए बताना पॉसिबल, ना ही मेरे लिए बताना पॉसिबल, ना ही कंपाइलर के लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल इस एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे। लेकिन अगर मैं इस केस में इसका डेटा टाइप प्रोवाइड करता हूँ एज अ बाइट, देन इस केस में कंपाइलर और डेवलपर दोनों श्योर हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 1 byte। सेम है अगर मैं इस प्लेस पर यूज करता हूँ समथिंग कैरेक्टर, जावा के केस में कैरेक्टर का साइज क्या है, 2 byte। देन आप लोग भी श्योर हो इस केस में एक्स का साइज क्या है, वो एग्जैक्टली 2 bytes। क्लियर। सेम है अगर मैं यूज करता हूँ इस प्लेस पर डेटा टाइप एज इंटीजर, मीन सभी केस में वेरिएबल नेम मैंने सेम यूज किया लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है, तो किसी भी वेरिएबल के लिए साइज क्या हुआ, मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ये पर्टिकुलर थिंग डिसाइड कौन करेगा, कंपाइलर बेस्ड ऑन डेटा टाइप इंफॉर्मेशन। डेटा टाइप के बेसिस पर कंपाइलर या डेवलपर के लिए जनरली 2 information गेस करना पॉसिबल है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड साइज, मीन्स किसी भी वेरिएबल के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे डेटा टाइप के बेसिस पर डिसाइड करना पॉसिबल है। दूसरा केस, सपोज दैट किसी वेरिएबल के लिए आपने 4 bytes एलोकेट कराए, लेकिन इस 4 byte के अंदर अगर बात करें तो मीन्स कंटेंट्स क्या क्या स्टोर करना पॉसिबल है, इसमें आप बूलियन वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो, डेसिमल नंबर भी स्टोर करा सकते हो, इंटीजर नंबर भी स्टोर करा सकते हो, सेम है कैरेक्टर और स्ट्रिंग समथिंग। लेकिन एग्जैक्टली इस प्लेस पर, ये पर्टिकुलर प्लेस किस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी डिसीजन किसके बेस पर आइडेंटिफाई होगा, बेस्ड ऑन डेटा टाइप इन्फॉर्मेशन। सपोज दैट अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया एज एक्स, लेकिन इसका डेटा टाइप यूज किया एज इंटीजर, तो इंटीजर के रिस्पेक्ट में जावा के इसमें साइज क्या है, 4 bytes, इसलिए एक्स के लिए बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, 4 bytes। सेम एज लेकिन अगर आप सेम प्लेस पर यूज करते फ्लोट वाई, दोनों का ही साइज क्या है, एग्जैक्टली 4 bytes। मीन से एक्स के लिए भी 4 byte एलोकेट होंगे, वाई के लिए भी 4 byte एलोकेट होंगे, लेकिन दोनों के अंदर कंटेंट किस टाइप के स्टोर होंगे, सेम टाइप ऑफ डेटा और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। मीन से एक्स के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हो जाएगा, ओनली नेचुरल नंबर्स और वी कैन से इंटीजर नंबर्स, लेकिन वाई के केस में रियल नंबर स्टोर कराना पॉसिबल, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। मीन्स फाइनली डेटा टाइप के बेसिस पर अदर डिसीजन क्या प्रोवाइड हो रहा है, विच टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आर स्टोर्ड और अलाउड फॉर दैट वेरिएबल्स, मीन्स किसी भी वेरिएबल के लिए किस टाइप के कंटेंट्स अलाउड होंगे, ये डिसीजन भी आइडेंटिफाई होगा बेस्ड ऑन डेटा टाइप इन्फॉर्मेशन। तो डेटा टाइप के सेशंस को मैं जस्ट सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ जावा के केस में डेटा टाइप्स के सभी डेटा टाइप को लिस्ट शो करूंगा, मीन्स अवेलेबल डेटा टाइप्स कैटेगरी वाइज। इसके जस्ट बाद डेटा टाइप्स रिलेटेड सभी डेटा टाइप के प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करूंगा, रेंज प्रॉपर्टी और साइज प्रॉपर्टी। उसके जस्ट बाद समथिंग 30 to 35 में क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा जब प्रैक्टिस लेवल, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस होंगे। सबसे पहले डिवीजन के केसेस पर बात करें, जनरली जावा के केस में डेटा टाइप्स 3 categories में डिवाइड किए हैं। मीन डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या है, डेटा को स्टोर कराने के लिए, मीन डेटा को जब आप स्टोर कराओगे तो जावा के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन 3 categories में डिवाइड हुआ है। मीन्स जावा में या तो आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करोगे या फिर कैरेक्टर्स या फिर बुलियन। क्लियर। तो इसलिए डेटा टाइप्स से कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए, इसलिए 3 categories, न्यूमेरिक टाइप्स और नंबर्स, न्यूमेरिक देन
कैरेक्टर टाइप्स एंड बूलियन टाइप्स। फाइनली इंफॉर्मेशन कितने फॉर्म में डिवाइड है, थ्री फॉर्मेट्स, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जावा के अंदर डेटा टाइप्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, न्यूमेरिक टाइप, कैरेक्टर टाइप एंड बूलियन टाइप। न्यूमेरिक टाइप के केस में बात करें स्टोर किया हुआ नंबर्स, लेकिन नंबर्स अगेन टू फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट होते हैं, या तो इंटीजर फॉर्मेट में या फिर रियल नंबर्स, इंटीजर और रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अगेन इंटीजर के रिस्पेक्ट में टोटल स्टोर करने के लिए अवेलेबल डेटा टाइप्स कितने जावा के अंदर, फोर डेटा टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, इंट एंड लॉन्ग। देयर आर फोर डेटा टाइप्स आर एप्लीकेबल फॉर स्टोरिंग इंटीजर। अब क्वेश्चन ये कि अगर इन फोर डेटा टाइप्स के केस में ओनली इंटीजर नंबर स्टोर करना पॉसिबल है, बाइट में भी क्या स्टोर करा सकते हैं ओनली इंटीजर वैल्यू, के शॉर्ट में भी कैसे ओनली इंटीजर, सेम एज इंट और लॉन्ग। फिर जब इंटीजर नंबर स्टोर हो फिर डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल डेटा टाइप्स प्रोवाइड करने की नीड क्यों हुई। मल्टीपल डेटा टाइप्स प्रोवाइड करने का जस्ट मेन पर्पज क्या है, मीन्स जस्ट आप हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको स्मॉल वैल्यू स्टोर करना टू स्मॉल समथिंग टेन, सेम एज हो सकता है आपको काफ़ी लेंदी वैल्यू स्टोर कराना हो, लाइक दैट। दोनों ही केसेस में रिक्वायर्ड स्पेस कैसा होगा, सेम और डिफरेंट 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 डिफरेंट। अगर आपको स्मॉल वैल्यू स्टोर कराना, मीन्स यहाँ जो डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए हैं रेंज के बेसिस पर प्रोवाइड किए हैं, मीन्स आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो आप किस रेंज का डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो रेंज किस डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज एप्लीकेबल किया हो, जस्ट मैं टेबल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट के केस में टू डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए जावा में, एग्जैक्टली फ्लोट एंड डबल, नथिंग एल्स। जावा में लॉन्ग डबल टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लाइक अ सी। कैरेक्टर्स स्टोर कराने के लिए ओनली सिंगल डेटा टाइप अवेलेबल है कैर। बूलियन वैल्यू स्टोर कराने के लिए सेपरेट डेटा टाइप अवेलेबल है एज अ बूलियन। दीज आर कीवर्ड्स इन जावा विच इज रिप्रेजेंटिंग डेटा टाइप्स। फोर प्लस टू इज सिक्स, सेवन, एट। देर आर एट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन जावा। जस्ट इसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा टाइप, रेंज प्रॉपर्टी और साइज प्रॉपर्टीज। लेकिन आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग केस क्या रहा वो एग्जाम्पल प्रोग्राम्स, मीन्स इसके इसमें कई सारे लॉजिकल एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आपके लिए मेमोरी से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना पॉसिबल होगा।